देख रहे हैं आपका अपना सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मंत्र, हर खबर की सच्चाई पर नजर। नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज के अहम खबर के साथ, पुलिस कर्मियों की कमी के बावजूद भी ये अग्निशमन सीनियर अधिकारी बखूबी अपने काम को तत्परता से बहुत ही जिम्मेदारी से निभाने का काम कर रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि ये अग्निशमन के जांबाज हैं SD तिवारी। आपको बता दूं कि इनके कंधों पर देहरादून यानी राजधानी का जिम्मा है, जहां अन्य जनपदों के मुकाबले कहीं अधिक फाइलें रोज के हिसाब से आते हैं और उस आवेदन को सीमित समय पर निस्तारण करना तिवारी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तो आखिरकार ये सीनियर अग्निशमन अधिकारी अपने जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, आइए हम जानते हैं अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारी SD तिवारी से। देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आने वाला टाइम आपके लिए काम टफ होता जा रहा है, काम ज्यादा है स्टाफ में आपके? जी हाँ, फिलहाल तो अभी तो कम है क्योंकि अभी भर्ती हुई है, अभी जो भर्ती हुई है वो लोग आए नहीं हैं, टाइम लगेगा थोड़ा आने में। तो अभी मेरे पास जैसे सिपाही 56 होने चाहिए थे, अब 56 सिपाही के सापेक्ष में मेरे पास 39 सिपाही हैं, 39 में भी जो मेरे पास हैं यहाँ पर 23 सिपाही अभी उपस्थित हैं। बाकी अदर ड्यूटियाँ भी हमारी, जैसे पुलिस ऑफिस हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, इधर ऐसे कुछ सिपाही इधर भी बटे हुए हैं हमारे काम में, वो भी हमारा काम का हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा मैन पावर जो है सिपाही जो होता है वो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला है 24/7 के हिसाब से, कि जो हमारे पास नफरी है उसको हमेशा उपलब्ध रखा जाता है और जैसे जैसे जहाँ की ड्यूटियाँ आती हैं वहाँ पर तुरंत भेजा जाता है। लोड ज़्यादा है, परेशानियाँ तो होती हैं, स्टाफ को भी परेशानी होती है, लेकिन वर्क है, करना है। NOC से रिलेटेड में तो जो विजिट का जो ऑथराइजेशन है वो इंचार्ज के पास है, तो वो तो मैं ही देखता हूँ और ज़्यादातर मैं ही चेक करता हूँ उसको। मेरी एब्सेंसी में दूसरे जो भी स्पेस सीट पर रहते हैं वो चेक करते हैं फंड के लिए है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे रिक्तियाँ होंगी उसी के सापेक्ष में भर्ती निकाली गई है। तो उसी से देहरादून सिटी के अंदर होता है जी, ज़्यादा रश आपके यहाँ, तो उसको कैसे भरपाई कर पाएंगे अभी इस टाइम पर? जी इस टाइम पर तो हम कर ही रहे हैं, मैंने बोला ना स्टाफ कम है, लेकिन हम लोग जो है जी जान से लगे हैं, 24/7 लगे हैं और कर रहे हैं क्योंकि करना है, मन में ये है कि